सभी समस्याओं का हल है भागवत गीता के इन वचनों में। पौराणिक काल के सबसे बड़े धर्म युद्ध की रणभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में विमुख होने पर एक अमूल्य उपदेश दिया था। भले ही ये उपदेश आज से लगभग 5000 साल पहले दिया गया हो, लेकिन गीता के ये उपदेश आज भी मानव जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि अर्जुन के लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में था। यदि आज मानव इस ज्ञान या उपदेश को अपने जीवन में समाहित कर ले तो ना तो उसे किसी भी तरह के दुखों का सामना करना पड़ेगा और ना ही उसके जीवन में कभी निराशा आएगी। सबसे पहला तो ये है कि आत्मा अमर है, लेकिन ये मानव शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का शरीर महज एक वस्त्र के टुकड़ों के समान है, अर्थात जिस तरह हम पुराने हो जाने पर कपड़े बदल लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा हर जन्म में शरीर बदलती है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उनकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमारा उद्देश्य अस्थाई शरीर की तृप्ति नहीं अपितु स्थाई आत्मा की मोक्ष प्राप्ति है। दूसरा, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म और मरण जीवन का एक चक्र है जिसे जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। अर्थात जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। फिर भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। तीसरा, क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक उपदेश में कहा है कि क्रोध में ब्रह्म पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वही जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उसे काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया जाए तो इंसान कई गलत कदम भी उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो उसका मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसीलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए या फिर क्रोध में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला खुद इंसान को ही सबसे ज्यादा गहरी क्षति पहुंचा सकता है। चौथा, मनुष्य अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी इंसान अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानवादी बनने के लोभ में अगर उनका कर्म छूट जाता है तो वो दोनों तरफ से भटक जाएंगे। मनुष्य ना तो कर्मों को किए बिना निष्कर्मता यानी योग्य निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वो ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वो उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। पांचवा, मन को काबू में रखें। गीता सार में उन लोगों को संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वो शत्रु के समान ही काम करता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसीलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखें। जो गूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है वो मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहलाता है। छठा, देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वो हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। सातवा, खुद की पहचान करें। गीता सार में ये भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। आठवां, कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसानों को अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसीलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। अर्थात किसी काम को करते हुए इंसान को उसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और प्रत्येक काम को चिंता मुक्त होकर ही करना चाहिए। नौवां, इंद्रियों पर संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख और दुख में मनुष्य के मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती।
सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वो बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे ही योग कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वो मनुष्य योग की स्थिति में कहलाता है। और जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तब उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाते उसके लिए वो मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हुए हमेशा संतुष्ट रहते हैं। 10वां, दूसरों से पहले खुद पर विश्वास करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। 11वां, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश का अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है तो निश्चय ही वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वो निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। 12वां, पहले खुद का काम करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि वो अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं ऐसे लोग अक्सर परेशान ही रहते हैं। 13वां, अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वो लोग निश्चय ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने जीवन में पीछे ही रह जाते हैं। 14वां, ईश्वर एक है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो भी लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वो लोग पूर्ण सिद्धि योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी और अचल स्थिति स्वरूप की उपासना करते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव में रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा, इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो भक्ति योग के आभास द्वार मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर, इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्रतिरूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। 15वां, अति सवत्र वर्जते। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या फिर गम हो, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वो सुख से अपने जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। 16वां, स्वार्थी ना बने। गीता सार में श्री कृष्ण ने उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से एक बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी स्वार्थी को अपने पास ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपने स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। 17वां, ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में ये भी कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है, वहीं इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसीलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किलों से बाहर निकालता है।
इसीलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। 18वां, संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वो निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।